हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है लाइनेक्स किंग्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेड सिक्स के बारे में। ठीक है, तो रेड सिक्स दोस्तों होता क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, या फिर आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट डिस्क। इस पे मैंने पूरे पे एक आर्टिकल डाल रखा है। आप चाहो तो आप मेरी वेबसाइट है deepakacademy.wordpress.com, आप उस पर जाके देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा रेड के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है, हम रेड सिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, रेड सिक्स होता क्या है? रेड सिक्स इज सिमिलर टू रेड फाइव। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ रेड पे, रेड जीरो के बारे में, रेड वन पे, रेड फाइव पे। ठीक है, अब ये मेरी फोर्थ वीडियो है रेड के ऊपर, रेड सिक्स। तो रेड फाइव क्या होती है? रेड सिक्स क्या होता है? रेड फाइव के जैसे ही होता है। ठीक है, सिमिलर होता है। उसमें भी क्या होता है? रेड सिक्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टू हार्ड डिस्क फेलियर। ठीक है, रेड सिक्स हमें क्या प्रोटेक्शन देता है? हमें रेड सिक्स, जो अगर हमारे दो डिस्क फेलियर हो जाती है, ठीक है, बाय टेक्निकल या फिर कैसे भी फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो हमें दो डिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर दो डिस्क फेल हो जाती है, तो हमें उसको दो डिस्क के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा सेफ रहेगा। इसमें को अगर आप कॉन्फिगर करते हैं, तो इसमें कम से कम एटलीस्ट आपको फोर डिस्क चाहिए होती है। ठीक है, रेड फाइव में हमें 3 डिस्क चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 4 की जरूरत होती है। और अब आगे बात करते हैं, तो आउट ऑफ फोर डिस्क ओनली 2 डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल, व्हाइल द अदर 2 यूज्ड फॉर द डेटा मिरर। देखो, इनमें हमारे पास डिस्क तो होती है 4, लेकिन यूज में सिर्फ 2 ही आती है। 2 हमें बैकअप प्रोवाइड करती है, मतलब कि अगर इन दोनों में से एक भी डिस्क फेल हो जाती है, तो एक डिस्क उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो मतलब होती 4 है और काम सिर्फ 2 डिस्क का ही करती है। अगर आपके पास 4 डिस्क है मान लो, और उनका साइज है 1 1 TB का, ठीक है, तो 4 TB के पास आपकी 4 TB की आपके पास 4 डिस्क हो गई, तो उनमें आपके पास सिर्फ 2 TB का ही स्टोरेज अवेलेबल रहेगा। बाकी का जो 2 TB की जो हार्ड डिस्क है, वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करेगी। तो चलिए, अब शुरू करते हैं हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको रेड हैट वर्जन 5 पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, आप RCL 7 RCL 8 में सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेरा RCL 5। दोस्तों, मैं आपको मेरा स्टोरेज दिखा देता हूँ, fdisk-l। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरा स्टोरेज है वो 17 GB का, मैंने इसको दे रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने SD1 है उसको कितना दे रखा है। ठीक है, इसमें मैंने करीबन 10 GB का स्पेस दे रखा है, तो अभी मेरे पास 7 GB का स्पेस खाली है। ठीक है, अभी मैं 7 GB में पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो रेड सिक्स को कॉन्फिगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पार्टीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है fdisk /dev/sd। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एन टाइप करना पड़ेगा न्यू, और आप किस टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, मैं मेरा जो पार्टीशन है सबको एक्सटेंडेड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर एंटर कर देना है। और इसको अब यहाँ पे हम न्यू टाइप करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जो कॉलम है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको साइज देना है, आपको यहाँ पे MB में साइज देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 + 500 MB, ठीक है, इस साइज का पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको सेम दोबारा से करना है, यहाँ पे आपको साइज देना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर आप रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका जो पार्टीशन का साइज है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, क्योंकि रेड है वो जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क, उसमें क्या होता है, उसका साइज सेम लेता है। ठीक है, सेम साइज पे ही वर्क करता है। अगर आपको अगर LVM होता, वो उसमें हमें सेम साइज की जरूरत नहीं होती, लेकिन रेड के अंदर हमें सेम साइज की जरूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 4 पार्टीशन क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कमांड करके देख सकते हैं, जो मेरा 5 6 7 8, ये जो पार्टीशन है वो मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी इसका जो सिस्टम टाइप है वो क्या है? लाइनेक्स है। अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसको कर रहे हैं? पहले 5 को करना पड़ेगा। अगर आपको कोड नहीं पता इसका कोड क्या है, तो आप यहाँ पे L टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इसमें राइट बॉटम में देख सकते हैं थर्ड नंबर पे FD, जिसके सामने लिखा हुआ है Linux Red Auto, तो आपको यहाँ पे FD लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप FD लिखोगे तो उसका टाइप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमें दोबारा से जो बचे हुए हैं उसके साथ भी यही करना पड़ेगा। सिक्स नंबर सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा FD, ठीक है। सेवन्थ नंबर के लिए हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा सेवन और FD, फिर से टाइप चेंज आठ नंबर और FD, ठीक है। अब दोबारा से प्रिंट करके देख सकते हैं हमारे जो चारों पार्टीशन है उसका क्या हो गया है, टाइप चेंज हो चुका है। अब हमारा जो पार्टीशन है वो रेड में यूज लेने के लिए तैयार है। अब हम इसको डब्ल्यू करेंगे, डब्ल्यू फॉर राइट, मतलब कि हमारे जो सेटिंग्स है सेव कर देगा। इसके बाद हमें इसको पार्ट प्रोप की जो कमांड है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट प्रोप की कमांड हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भी अपन ने पार्टीशन क्रिएट किया है उसको सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप ये कमांड नहीं देते हैं तो जब भी आप सिस्टम को रिबूट करोगे तो ये क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सिस्टम को पता नहीं होता है कि आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिए है। तो चलिए हमने पार्ट प्रोप भी कमांड दे दिए, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी कमांड स्टार्ट होती है। तो दोस्तों रेड सिक्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है MD Atom, ठीक है। MD Atom, अब यहाँ पे अपन डालेंगे हाइफन हाइफन क्रिएट, ठीक है। क्रिएट क्या कर रहे हैं अपन, देव MD 0, ठीक है। हम जो हमारे जो डिवाइस क्रिएट होगी इसके बाद में स्टोरेज, उसको हमने नाम दे दिया है देव MD 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हम कौन से लेवल का जो रेड लेवल है उसको हम कौन से लेवल का रेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा है सिक्स, हम रेड सिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रेड डिवाइसेस, हम कितने डिवाइसेस को यूज ले रहे हैं, तो हम चार डिवाइसेस को यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको उसका नाम देना पड़ेगा, कौन से डिवाइसेस यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा हम 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, ये डिवाइसेस काम ले रहे हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे आप देख सकते हैं हमारे जो रेड सिक्स है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहली जो कमांड है हमारे पास MD Atom हाइफन हाइफन डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स स्पेस, आपको उस जो आपने क्रिएट किया है रेड एरे MD 0, ठीक है, इसका नाम दे देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डिटेल आएगा, डिटेल्स दिया आएगा, ठीक है। तो जैसे आप डिटेल करोगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ये जो फोर डिस्क है वो रेड के अंदर एक्टिव है, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं वो है हमारे पास कैट स्पेस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोप, ठीक है। प्रोप के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है MD State, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसमें शो कर देगा या अभी करंट में MD 0 वो एक्टिव है, ठीक है, रेड सिक्स में, और इसके जो डिस्क है वो, ये जो डिस्क है वो अभी इसमें वर्क कर रही है। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अभी हमने सिर्फ चेक किया है रेड सिक्स को कॉन्फिगर किया है, अभी हम इसको जो स्टोरेज है उसको यूज में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको यूज लेने के लिए सबसे पहले हमारा जो MD 0 है उसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको फॉर्मेट मारते हैं, उसके लिए कमांड है mkfs.ext3, ठीक है। आप 4 से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, देव MD 0, ठीक है। तो चलिए अपन इसको फॉर्मेट मारते हैं, जैसे आप ये कमांड करोगे तो ये जो MD 0 है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप किसी भी स्टोरेज को यूज में लेते हो, स्टोरेज डिवाइस को, तो यूज करने से पहले आपको फॉर्मेट मारना पड़ता है, ठीक है। आप विंडोज में भी देख सकते हैं, जब भी आप नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको पहले फॉर्मेट करना पड़ता है, तो ऐसे ही हमें लिनक्स में भी इसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो चलिए अभी हमने इसको फॉर्मेट कर दिया है, अब इसके बाद हमें एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसको माउंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ स्लैश रेड के नाम से, ठीक है। तो ये बन गया है, अब हम इसको माउंट करेंगे, ठीक है। माउंट देव MD 0, ठीक
हमें कहाँ कर रहे हैं इसको, स्लैश रेड के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारा रेड है, रेड सिक्स वो माउंट हो गया है किसमें, स्लैश रेड फोल्डर के अंदर। आप इसको चेक कर सकते हैं df-capital TH से, ठीक है। तो dev md0ext3 इसका टाइप है, इसका साइज है 1 GB का, ठीक है, क्योंकि हमने 500 MB के 4 स्टोरेज क्रिएट किए थे, ठीक है। और ये माउंटेड कहाँ पे है, स्लैश रेड के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके स्टोरेज को यूज ले सकते हैं। आप cd/ रेड करके वहाँ पे जा सकते हैं और पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो फाइल है इसकी बाय डिफॉल्ट फाइल है, जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे आप कुछ भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं टच के थ्रू कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे टच a.z, ठीक है, .pdf, ठीक है। तो ls करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जो डेटा है, जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। तो ऐसे आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये थी रेड सिक्स की कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बात आती है, हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे पहले अपन ने रेड सिक्स को क्रिएट किया, फिर उसको फॉर्मेट किया, फिर माउंट किया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनमाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अनमाउंट के लिए हमारे पास कमांड होती है यू माउंट, ठीक है, यू माउंट। अब यहाँ पे आप किसको यू माउंट कर रहे हैं, देव md0 को, ठीक है। और कहाँ से अनमाउंट कर रहे हैं, रेड फोल्डर से, ठीक है। एंटर करते हुए, सॉरी यहाँ पे माउंट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक है, यहाँ पे एंड डालना पड़ेगा, एंटर करो। तो ये नॉट माउंटेड, मतलब कि अब अनमाउंट हो गया है। यहाँ से क्लियर करो, अगर आप दोबारा से चेक करोगे कि ये माउंटेड है या फिर नहीं है, तो आप देखोगे ये माउंटेड से यहाँ से हट गया है। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें इसको उठाने के लिए md -hyphen पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है, आप देख सकते हैं md-0, ठीक है, एंटर। अब ये स्टॉप हो गई है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, सेम कमांड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप की जगह जस्ट रिमूव डालना पड़ेगा। जैसे आप रिमूव डालोगे तो हमारी जो रेड सिक्स है वो यहाँ से जाएगी। अगर आप इसके जो बाय डिफॉल्ट फाइल है उसमें जाके चेक करोगे, कैट प्रो और md स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अनयूज्ड डिवाइस red654। और अभी इसमें कुछ भी, मतलब कि जो रेड सिक्स है वो एक्टिव, अभी कोई भी रेड लेवल इसमें एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की रेड सिक्स के बारे में। अगर आप रेड सिक्स के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे जो आर्टिकल है रेड रेड के ऊपर, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं उस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।